हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाते हैं सेव टमाटर की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही चटपटी और फटाफट बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आपने मेरा चैनल दुर्गा द लाइफ को ज्वाइन नहीं किया वो भी ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी सेव लिए हुए हैं, तो इसकी सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार बनती है दोस्तों। जब भी घर पर कोई सब्ज़ी ना हो या फिर कुछ ज़्यादा बनाने का मन ना करे, तो ये सेव टमाटर की सब्ज़ी बना लीजिए, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ कढ़ाई रख ली है और उसमें हम सरसों का तेल डाल देते हैं, थोड़ा सा अच्छे से गर्म हो जाए। उसके बाद हम इसमें जीरा और हींग डाल देंगे। हींग का फ्लेवर इस सब्ज़ी में बहुत ही बढ़िया आता है, तो आप उसे ज़रूर डालिएगा। और अब इसमें डाल देते हैं सूखी मिर्च, जो कि मैंने 5-6 ली हुई है, और साथ ही साथ करी पत्ते डाल देते हैं और इन्हें चटकने देते हैं, अच्छी सी खुशबू आने लगे। उसके बाद अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। तो मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसे इस तरह से चॉप करके इसमें ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों, सेव टमाटर की सब्ज़ी अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, ये बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में और बिल्कुल कम टाइम लगता है इसे बनाने में, बहुत ही आसान रेसिपी है। आप मेरे इस तरीके से बना के देखिए, बहुत ही बढ़िया लगेगी आपको। तो प्याज को थोड़ा सा कलर चेंज होने तक इसे अच्छे से भून लेंगे, अच्छी सी खुशबू आने लगे तब तक। अब इसमें टमाटर डाल देंगे। तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, इस तरह से मैंने टुकड़े करके इसमें ऐड कर देते हैं। साथ ही साथ 2 से 3 हरी मिर्च इसमें ऐड कर देंगे। नमक डाल देंगे, और नमक इसलिए डालेंगे दोस्तों, जो कि टमाटर हैं अच्छे से पक जाएं। और उसके बाद हम इसे चलाते हुए भून लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें टमाटरों को घिस के भी डाल सकते हैं, मैंने इसे इस तरह से टुकड़े करके डाले हैं। तो इन्हें अच्छे से पका लेंगे। अब साथ में मसाले डालेंगे। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाल देते हैं, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। जीरा पाउडर डालेंगे 1 छोटी चम्मच, और साथ ही साथ 1/2 चम्मच इसमें गरम मसाला डालेंगे। तो इन मसालों से इसमें फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, सब्ज़ी बहुत ही चटपटी और मज़ेदार बनेगी दोस्तों। एक बार इस तरह से ज़रूर बना के देखिए। तो टमाटरों के साथ हैं जो मसाले हैं अच्छे से भुन जाएं और टमाटर भी पक जाएं, तो ढक के हम 1 से 2 मिनट इसे पका लेंगे। तो ये देखिए, टमाटर अच्छे से पक गए हैं। तो अब इसमें हम 2 कटोरी पानी ऐड कर देते हैं, और जितना आप ग्रेवी रखना चाहें उतनी ही आप इसमें पानी ऐड करें। 1 कटोरी मैंने सेव लिए थे, 2 कटोरी मैंने इसमें पानी ऐड किया है। पानी में बॉयल आने लगा है, लेकिन हम इसे थोड़ी देर और बॉयल आने देते हैं, तो ये सब्ज़ी है यानी जो मसाला है पानी के फ्लेवर में अच्छे से चला जाएगा, तो ये बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो बस बॉयल आने के बाद 2 मिनट मैंने इसे और पानी को और उबाला था। अब इसमें सेव डाल देते हैं। तो सेव डालने के बाद ये काफ़ी गाढ़ी हो जाती है दोस्तों, तो पानी आप पहले ही उबलते टाइम ही जितना डालना है उतना डालें, और उसके बाद जब ये अच्छे से उबलने लगे उसके बाद सेव डाल दें। सेव डालने के बाद इसमें टाइम नहीं लगता, सिर्फ 1 मिनट पकाना होता है, और इसे हम फिर से ढक के थोड़ी देर ऐसी पका लेते हैं दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया ये चटपटी सी मज़ेदार सी सेव टमाटर की सब्ज़ी बनके तैयार है। अगर सब्ज़ी घर पे नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, आप इस तरह से बना कर देखिए, बहुत ही पसंद आएगी। तो कम टाइम में टेस्टी सी ये सेव टमाटर की सब्ज़ी तैयार है, आप इसे ज़रूर बनाइए। कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों कि आपको ये कैसी लगी। आप इस सब्ज़ी को बाजरे की रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, अगर आप इसे सर्दियों में बना रहे हैं। और वैसे तो ये नॉर्मल चपाती या परौठी के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है। तो एंजॉय कीजिए दोस्तों, आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। दुर्गा द लाइफ को ज्वाइन नहीं किया तो वो ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर से मिलूँगी ऐसी चटपटी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक यू।